मेरा सपना था बचपन से कि मैं बड़ी होके मॉडल बनूंगी। मैं अपने जमाने की अगर बात करूं तो उस वक्त थोड़े रिग्रेसिव थिंकिंग था कि नहीं, मॉडलिंग में नहीं जाना है, ग्लैमर इंडस्ट्री में लड़कियां नहीं जानती, रिस्पेक्टेबल नहीं है। उस वक्त ऐसी सोच थी, मुझे काफी डिस्करेज किया गया और तो मुझे, मैं नहीं जा पाई। मुझे मेरा प्रोफाइल देख के बात आगे भी बढ़ी, ऑलमोस्ट ऐसे कंफर्म होने जैसा ही हो जाता था मेरा। पर जैसे ही वो एज की बात आती थी, अच्छा हमको नहीं मालूम था आपकी एज इतनी है, आपके प्रोफाइल से पता नहीं चलता, तो नहीं कर सकते, फैंसी लॉन्ड्री के लिए मॉडल चाहिए थी, सब कुछ बात हुई मेरे साथ। और जैसे ही वो एज पता चली, ओ आप कैसे फैंसी लॉन्ड्री पहन सकते हैं, एक काम करो आप कॉटन ब्रा पैंटी पहन के अपनी एज के हिसाब से मॉडलिंग कर दो। वहां पे था कि नो क्राइटेरिया, एज नो बार, हाइट नो बार, वेट नो बार, यू जस्ट कम एंड पार्टिसिपेट। और मैंने कहा अच्छा ये तो अच्छा है, एज नो बार, तो मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया और मुझे उसमें फर्स्ट रनर अप का क्राउन मिला। पर मैंने पार्टिसिपेट इसलिए किया उसमें क्योंकि मुझे मालूम था कि अगर इसमें मैं गई तो मुझे ऐसे कॉन्टेक्स्ट मिलेंगे, मुझे वो सब सीखने को मिलेगा जिससे मैं अपने सपने के करीब जा सकती हूँ मॉडलिंग में, मॉडल बनने का। ये हैशटैग है मेरे कैंपेन का जिसका नाम ही है एज नॉट गेज। मैंने उसमें अपील की है जीरामे को, सब लॉन्ड्री ब्रांड्स को, कि आप अपने एडवर्टाइजिंग में, ऐप में, मीडिया में मैच्योर मॉडल्स को दिखाइए। मैच्योर मॉडल्स यानी कि 40 प्लस एज, क्योंकि मुझे ऐसा लगा यहाँ पे एक बदलाव की जरूरत है। अगर लॉन्ड्री में दिखाएंगे मैच्योर मॉडल्स को तो धीरे 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 वो सब प्रोडक्ट्स में आएगा और एक बहुत बड़े बदलाव की यहाँ से शुरुआत होगी।